हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको हरे कृष्णा और गुड मॉर्निंग। सो आज है नवरात्रि का फोर्थ डे और फोर्थ डे डेडिकेटेड टू देवी कुष्मांडा। सो देवी कुष्मांडा माँ पार्वती का वो स्वरूप है जो मतलब कि सृष्टि का सृजन करती हैं। तो ब्रह्म संहिता में भी एक श्लोक है जिसमें बोला जाता है कि सृष्टि स्थिति प्रलय। मुझे ये बहुत मुझे श्लोक नहीं आता है तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो उसका मैं मीनिंग बता देता हूँ आप सबको कि उसमें बोला गया कि सृष्टि स्थिति प्रलय करती हैं देवी दुर्गा भगवान कृष्ण की भगवान कृष्ण की अनुमति के साथ, अनुमति मतलब उनके बोलने से करते हैं सब चीज़ें। वो भगवान की छाया स्वरूप है देवी दुर्गा। देवी दुर्गा भगवान की बहिरंगा शक्ति है, मतलब कि अल्हादिनी शक्ति भगवान की है जो, और श्रीमती राधा रानी है तटस्थ शक्ति है, वो हम हैं मतलब जीव शक्ति, और जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है वो देवी दुर्गा है। तो देवी दुर्गा कुष्मांडा देवी के रूप में इस संसार की उत्पत्ति करते हैं, और इसी स्वरूप में देवी पार्वती के साथ अगर हम रिलेट करें तो इस स्वरूप में देवी पार्वती को अपना देवी जगदम्बा स्वरूप का ज्ञान होता है, और उसके बाद बोलते हैं ऐसा कि उसके बाद वो मतलब कि देवी स्वरूप धारण करती हैं, समथिंग लाइक दैट। मुझे इतनी अच्छे से स्टोरी नहीं पता इस चीज़ के बारे में, बट मैंने जितना सुना है और जितना मैंने मतलब कि रीड किया है उस अकॉर्डिंगली, अगर हम देवी पार्वती की लाइफ स्टाइल से मतलब लाइफ के साथ इसे इन नव दुर्गा को अरेंज करते हैं तो ऐसे में ही आता है। तो देवी दुर्गा मतलब कि अभी नेक्स्ट जो होगा उसमें वो मदरहुड इन्जॉय करेंगी, स्कंद माता बन जाएंगी। तो ऐसे ही है कि उन्होंने शादी के बाद उनको अपना आदिशक्ति स्वरूप उन्हें ज्ञात होता है। तो आज हम देवी से यही प्रार्थना करेंगे कि हे देवी, आप जैसे सृष्टि का क्या करती है, मैं अभी बोला था वो वर्ड, मैं अभी भूल गया वो वर्ड, मुझे इतने अच्छे से याद था। जैसे सृष्टि की उत्पत्ति करती है वैसे ही हमारे हृदय में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की थोड़ी सी उत्पत्ति करें, कि हम लोग कृष्ण के प्रेम में अपने जीवन का व्यतीत कर सके, कृष्ण की भक्ति कर सके। तो वैसे ही हमारे मन में भी थोड़ी सी उत्पत्ति कर दीजिए भक्ति की, तो हम लोग भगवान श्री कृष्ण के अच्छे से प्रेम में सेवा कर सके। और इन नवरात्रि हम लोग 9 के 9 दिन देवी से भगवान से भगवान की कृपा ही मांग रहे हैं कि भगवान की हमें भक्ति दे नव दुर्गा। तो ऐसे ही हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे, और बहुत मतलब कि महाअष्टमी महासप्तमी सब आने वाली है। सो नहीं महासप्त आज क्या है आज महाचतुर्थी है, मतलब अभी सभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं, दुर्गा पूजा आने वाली है, एंड आई नो सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे दुर्गा पूजा के लिए। सो मिलते हैं आप सबको थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। यार मेरे आसपास कुछ है नहीं, मेरा बहुत मन है जाके दुर्गा पूजा में डांस करने वाला हूँ, धनुची डांस एंड गरबा डांस। गरबा होता है आसपास मुझे पता नहीं है, अगर होता होगा, अगर मेरे कोई फ्रेंड होते ना तो मैं ज़रूर जाता गरबा नाइट में, मज़ा आता है गरबा करने में। सो मिलूंगा आप सबको भी मैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। हे गाइस, आई एम रेडी। सो अभी बस मैं निकलने वाला हूँ डांस क्लास के लिए, तो मुझे थोड़ा जल्दी जाना है आज, मतलब कि जल्दी जाना है। अभी सोच रहा हूँ मैं जल्दी जाया करूँ, वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर लिया करूँ, तो अब से मैं जल्दी जाया करूँ थोड़ा डांस क्लास के लिए। तो अब मैं निकलने लगा डांस क्लास के लिए, तो आप सबको भी मैं मिलूँगा रास्ते में, तब तक के लिए बाय। हाँ, ज़्यादा कुछ मैंने ब्लॉक किया नहीं वैसे सुबह से ना, मुझे पता नहीं कंटेंट मिलेगा आज के नहीं मिलेगा, बिना कंटेंट का ब्लॉग मिलेगा आज आपको, पता नहीं मुझे। तो अभी मैं आप सबको मिलूँगा रास्ते में या फिर नाट्याले जाके, तो मिलता हूँ सबको थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। वैसे तो नॉर्मली मैं जिस स्टेशन पर उतरता था मैं उससे एक स्टेशन आगे उतर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ना क्लासमेट ने मुझे बताया था कि आगे से एक रास्ता जाता है जो कि शॉर्टकट रास्ता नाट्याले के लिए, तो आज मैं वो ट्राई करने वाला हूँ। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है नाट्याले पहुँचने में, अगर यहाँ से आसान हुआ तो फिर मैं आगे से यहीं से आया करूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ से बहुत दूर पड़ रहा था नाट्याले। तो बस अभी नाट्याले के लिए रास्ते में हूँ, आपको खुद बताता हूँ रास्ते में रास्ता कैसा लगा, मुझे कैसा नहीं लगा, तो मेरे साथ बोलिए। तो ये है वो गली जो कि नाट्याले की बैक साइड से निकलती है, एंड ये साइड में यहाँ पर पार्क है कुछ, तो अभी यहाँ से निकल के जा रहा हूँ, देखते हैं कितना टाइम लगता है। मुझे यहाँ तक लगता है कम ही टाइम लगेगा, गर्मी भी कम है, मतलब कि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं ना तो छाँव छाँव है इस रास्ते में, और इतना मतलब कि गर्मी भी फील नहीं हो रहा है। तो वैसे भी गर्मी कम हो चुकी है अभी आगे से, एंड लेट्स सी फिर रास्ते में हूँ तो आप सबको मिलूँगा नाट्याले के पास पहुँच के, तो मुझे कितना टाइम लगा, तो मिलता हूँ थोड़ी देर में, देख लो पापा। दोस्ती है लो, क्या कर रहा है, कैसे लेट गया, मैं नहीं कर रहा अभी तेरी मसाज में, चल बाय बाय बाय।
हे गाइस, तो मैं घर आ चुका था, तो घर आके मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरा मन नहीं किया व्लॉग बनाने का। पता नहीं क्यों आज मेरा मन नहीं करा व्लॉग बनाने का, तो इसलिए आज मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ दिन लोग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। और यार कभी कभी मन नहीं करता, आज नहीं किया मेरा मन बनाने का, थोड़ा सा मन मेरा नहीं था बनाने का, तो मैंने नहीं बनाया व्लॉग। सो अभी आप सबको मिलूँगा मैं कल को, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, बस इतना काम कर देना आप सब लोग, क्योंकि कभी कभी यार मेरा भी मन नहीं करता बनाने का व्लॉग, पता नहीं क्यों, क्या हो गया क्या नहीं हुआ, तो बस मन नहीं था आज मेरा व्लॉग बनाने का। तो मिलता हूँ सबको मैं अभी कल को, तब तक के लिए बाय बाय।